अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं तौकीर आलम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं अभी तक आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट पढ़ा चुका हूँ, और ये टेंस का आखिरी लेसन है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज टेंस को खत्म करते हैं। फ्रेंड्स, शैल हैव बीन या विल हैव बीन का उर्दू सेंस होता है ता हुआ रहूंगा या ती हुई रहेगी या ते हुए रहेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस में वक्त बताने वाले वर्ड्स भी आते हैं, जैसे सुबह से, शाम से, बचपन से, बुढ़ापा से। तो चलिए फ्रेंड्स, इन सभी बातों को एग्जांपल में एक एक करके समझें। हमारा पहला जुमला है, मैं लिखता हुआ रहूंगा। मुझे इसको ट्रांसलेट करना है, कैसे करेंगे फ्रेंड्स? आपको मैं पहले ट्रिक बता चुका हूं, जो वर्ड सबसे पहले है उसका अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हम पीछे से अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर जाएंगे। यह बात आपके लिए अब नया नहीं है, क्योंकि मैं इस ट्रिक पर बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले लिखा है मैं, उसका अंग्रेजी होगा आई। अब पीछे से हम एक एक वर्ड का अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर जाएंगे। लास्ट में लिखा है हुआ रहूंगा, जिसका अंग्रेजी होगा शैल हैव बीन। कई बार शैल हैव बीन और कई बार विल हैव बीन लिखते हैं, बस आई और वी के साथ शैल का यूज होता है, बाकी सबके साथ विल का यूज किया जाता है। यह बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। सबसे पहले लिखा था मैं, उसका अंग्रेजी हुआ आई, और ता हुआ रहूंगा का अंग्रेजी होगा शैल हैव बीन, और लिखना का अंग्रेजी होगा राइट। लेकिन इस टेंस में हम वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, क्यों? क्योंकि जिस जुमला के आखिर में रहा रही आता है, हमें आईएनजी ऐड करना होता है। आई शैल हैव बीन राइटिंग। आइए फ्रेंड्स, अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। जो वर्ड सबसे पहले है उसका अंग्रेजी आप सबसे पहले लिखेंगे, फिर पीछे से अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर जाएंगे। पीछे लिखा है ता हुआ रहेगा, और आगे लिखा है पढ़ना, वह का अंग्रेजी होगा ही। पीछे से आगे की ओर जाइए, ता हुआ रहूंगा यानी विल हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। तो आईएनजी फॉर्म तो वर्ब में ही लिखे जाते हैं, और हमारा अगला वर्ड है पढ़ना, यानी यह एक वर्ब है और इसी में हम आईएनजी फॉर्म ऐड कर देंगे। वह पढ़ता हुआ रहेगा, ही विल हैव बीन रीडिंग, और ये ट्रांसलेट हुआ। आइए फ्रेंड्स, कुछ और एग्जांपल देखते हैं, ताकि आपको बात शानदार तरीके से समझ में आ सके। वह सुबह से नाचता हुआ रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले लिखा है वह, हम लिखेंगे ही। अब पीछे से हम अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर जाएंगे। ता हुआ रहेगा विल हैव बीन। नाचना का अंग्रेजी होता है डांस, और हम उसमें आईएनजी फॉर्म ऐड कर देंगे। ही विल हैव बीन डांसिंग, और से का अंग्रेजी होगा फ्रॉम। आप सोचेंगे फ्रॉम क्यों? तो मैं आपसे कहूंगा फ्रेंड्स, इस टेंस में टाइम बताने वाले वर्ड आते हैं, और अगर टाइम बताने वाले वर्ड पॉइंट ऑफ टाइम हो तो हम फ्रॉम का यूज करते हैं, लेकिन अगर वो पीरियड ऑफ टाइम हो तो हम से के लिए फॉ का यूज करते हैं। हालांकि प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में फ्रॉम का यूज नहीं होता है, फ्रॉम के जगह पर सिंस का यूज होता है। सिंस, फ्रॉम और फा को कैसे शानदार तरीके से समझें, इस बात को मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ताकि आप आसानी से यह कंसेप्ट समझ सकें। आइए फ्रेंड्स, इसको पूरा करते हैं। सुबह को कहते हैं मॉर्निंग। वह सुबह से नाचता हुआ रहेगा, ही विल हैव बीन डांसिंग फ्रॉम मॉर्निंग। आइए फ्रेंड्स, अब इसको ट्रांसलेट करते हैं।
वह कई दिनों से अंग्रेजी सीखती रहेगी। सबसे पहले लिखा है वह, हम लिखेंगे शी। अब हम पीछे से अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर जाएंगे। ती रहेगी यानी विल हैव प्लस आईएनजी फॉर्म, विल हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। सीखना का अंग्रेजी होता है लर्न, आईएनजी लगा दीजिए हो जाएगा लर्निंग। आगे लिखा है अंग्रेजी तो हम लिखेंगे इंग्लिश, और आगे लिखा है से हम लिखेंगे फॉर। आप सोचेंगे फॉर क्यों, तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में जरूर बताऊंगा कि फॉर सिंस और फ्रॉम का क्या यूज होता है। आगे लिखा है कई दिनों, हम लिखेंगे मेनी डेज। वह कई दिनों से अंग्रेजी सीखती रहेगी, सी विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर मेनी डेज। आइए फ्रेंड्स कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तुम घंटों से काम करते रहोगे, सबसे पहले लिखा है तुम, आप लिखिए यू। अब पीछे से अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर चलिए। ते रहोगे यानी विल हैव बीन, काम करने को इंग्लिश में कहते हैं वर्क, और हम इसमें आईएनजी फॉर्म ऐड कर देंगे। यू विल हैव बीन वर्किंग, से का अंग्रेजी होगा फॉर, और घंटों को कहते हैं आवर्स। तुम घंटों से काम करते रहोगे, यू विल हैव बीन वर्किंग फॉर आवर्स, और ये कंप्लीट हुआ। आइए फ्रेंड्स अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। वह बचपन से अंग्रेजी बोलता रहेगा, वह का अंग्रेजी होगा ही। अब पीछे से अंग्रेजी लिखते हो आगे की ओर जाएं। ता रहेगा यानी विल हैव बीन, बोलना को अंग्रेजी में कहते हैं स्पीक, हम इसमें आईएनजी फॉर्म ऐड कर देंगे, और अंग्रेजी को कहते हैं इंग्लिश, और बचपन को कहते हैं चाइल्डहुड, और ये कंप्लीट हुआ। आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि जब टाइम वाले वर्ड्स के पहले से आता है तो हम उससे के लिए कभी सिंस, कभी फॉर और कभी फ्रॉम लिखते हैं। तो चलिए देखें सिंस, फॉर और फ्रॉम का क्या यूज है। सिंस वर्सेस फॉर, चलिए देखें कि सिंस और फॉर का क्या यूज है। परफेक्ट कंटीन्यूअस वाले सेंटेंसेस में जब समय सूचक शब्द आता है तो उसके पहले से आता है, और उससे का अंग्रेजी कभी सिंस कभी फॉर लिखना होता है। तो कैसे जाने कब सिंस कब फॉर। से के पहले आया हुआ समय अगर पॉइंट ऑफ टाइम हो यानी निश्चित टाइम दिया हो तो हम सिंस का यूज करते हैं, लेकिन से के पहले आया हुआ टाइम अगर पीरियड ऑफ टाइम हो यानी समय की अवधि बदलाए पॉइंट ना बदलाए तो हम फॉर का यूज करते हैं। लगता है बात आपको समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, ये था बुकिश नॉलेज। आइए मैं आपको ट्रिक से समझाता हूँ। सबसे पहले हम वर्ष के नाम से शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं वर्ष के भी नाम होते हैं। अभी जो वर्ष चल रहा है उसका नाम है 2018। तो अगर आपके सेंटेंसेस में वर्ष का जिक्र है और वर्ष का नाम बताया जा रहा है कि कौन सा वर्ष, जैसे मैं 2017 से पढ़ा रहा हूँ या मैं 2005 से पढ़ा रहा था, तो यहाँ वर्ष की बात की गई और ये भी बताया गया कि वो कौन सा वर्ष था, हम यहाँ सेंस का यूज करेंगे। लेकिन अगर मैं वर्ष की बात करूँ और नाम ना बताऊँ यानी ये ना बताऊँ कि कौन सा वर्ष था, तो हम फा का यूज करेंगे। जैसे मैं कुछ वर्षों से पढ़ाता रहा हूँ या मैं वर्षों से पढ़ाता रहा हूँ, अब यहाँ पता नहीं चल रहा कि कितना वर्ष, या यहाँ वर्ष का नाम नहीं लिया गया यानी 2015, 2017, 2020 ऐसी कोई बात नहीं बोली गई, कोई भी वर्ष का नाम नहीं लिया गया यानी यहाँ कोई भी वर्ष का नाम नहीं बताया गया, जैसे 1947, 2005 या 2018 कोई भी वर्ष का नाम नहीं बताया गया, तो यहाँ फॉर का यूज होगा। यानी अगर वर्ष का नाम बोलेगा तो सिंस, अगर नाम नहीं बताएगा तो फॉर। आइए महीने की बात करते हैं। अगर महीने की जिक्र हो और महीने का नाम बताया जा रहा है तो सिंस का यूज करेंगे, जैसे मैं जनवरी से पढ़ाता रहा हूँ, आप अप्रैल से क्रिकेट खेलते रहे हैं, तो यहाँ बात महीना की हुआ लेकिन मैंने महीने का नाम बताया, मैंने कहा फरवरी, मैंने कहा अप्रैल, तो यहाँ सिंस का यूज होगा। लेकिन अगर मैं महीने की बात करूँ और महीने का नाम न लूँ तो फिर फॉर का यूज करेंगे, जैसे मैं कुछ महीनों से खेल रहा हूँ, आप 2 महीनों से वहाँ जा रहे हैं, वे लोग
कई महीनों से काम कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने 3 बार महीना महीना बोला, लेकिन एक बार भी ना बोला कि वो जनवरी था या फरवरी या मार्च या अप्रैल। महीने का नाम नहीं लिया, यहाँ फा का यूज करेंगे। आइए अब दिन के नाम के साथ सिंस फा का यूज देखते हैं। अगर वाक्य में दिन का जिक्र हो और दिन का नाम ना बताए, जैसा कि आप जानते हैं दिन के भी नाम होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ईटीसी। तो अगर सेंटेंस में दिन की बात हो और दिन का नाम ना बताया गया हो तो फिर फा का यूज है। जैसे मैं 2 दिनों से आपको ये बात बता रहा हूँ, मैं 2 दिनों से अंग्रेजी सिखा रहा हूँ, वह कई दिनों से सो रहा है। तो यहाँ पर मैंने दिन दिन बोला लेकिन कोई नाम नहीं बोला कि कौन सा दिन था, फा का यूज है। लेकिन अगर मैं कहूँ मैं सोमवार से अंग्रेजी सीख रहा हूँ, आप मंगलवार से अपना काम कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ दिन की बात किया और दिन का नाम भी लिया, सोमवार या मंगलवार, यहाँ पर सिंस का यूज करेंगे। आइए अब समय पर सिंस फा का यूज देख लें। अगर समय बताते हुए आप बोल रहे हैं घंटा, जैसे 5 घंटे से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से, तो जब आप बोल रहे घंटा तो आप यूज करेंगे फा। लेकिन अगर आप समय बताते हुए बजे का यूज कर रहे हैं तो आप यूज करेंगे सिंस, जैसे 9 बजे से, 10 बजे से, 11 बजे से, 12 बजे से, या हर जगह सिंस का यूज किया जाएगा। सुबह, दोपहर, शाम, बचपन, बुढ़ापा के साथ सिंस का यूज करते हैं। और आइए अंतिम शब्द सुनते हैं। फ्यूचर टेंस में सिंस का यूज नहीं किया जाता है, यानी सिंस का यूज प्रेजेंट टेंस में होता है, पास्ट टेंस में होता है, लेकिन फ्यूचर टेंस में नहीं किया जाता है। तो फ्यूचर टेंस में जहां जहां सिंस लिखने का जरूरत होगा वहां सिंस के जगह पर फ्रॉम का यूज किया जाएगा, क्योंकि फ्यूचर टेंस में सिंस के जगह फ्रॉम लिखा जाता है। आइए हैव और हैज में फर्क समझें। इसके पहले कि हम हैव और हैज के बारे में बात करें, आपको पर्सन के बारे में जानना जरूरी है। फ्रेंड्स, अगर आपसे कोई पूछे कि पर्सन कितने तरह के होते हैं तो आप कहेंगे पर्सन 3 तरह के होते हैं। अगर कोई पूछे कौन, तो आप कहेंगे आई वी पहला, यू दूसरा और बाकी सब तीसरा। यानी आई वी और यू को छोड़कर बाकी सभी थर्ड पर्सन होते हैं। तो ये बात हमेशा आप याद रखेंगे कि पर्सन 3 टाइप के होते हैं, आई वी पहला, यू दूसरा और ही शी इट, या कोई एक आदमी का नाम, किसी एक जानवर का नाम, या फिर बहुत सारे आदमी का नाम, बहुत सारे जानवर, ये सभी होते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, यानी एक वचन और बहुवचन दोनों होते हैं। तो ये बात क्लियर हुआ कि पर्सन 3 तरह के होते हैं। आइए अब देखें हमें कब हैव का यूज करना चाहिए और हमें कब हैज का यूज करना चाहिए। फ्रेंड्स, हैव का यूज फर्स्ट पर्सन यानी आई वी के साथ किया जाता है, सेकेंड पर्सन यानी यू के साथ किया जाता है, और थर्ड पर्सन के साथ भी किया जाता है, लेकिन थर्ड पर्सन के सिर्फ प्लूरल नंबर के साथ यानी बहुवचन के साथ। तो ये बात क्लियर हुआ कि हैव का यूज फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर यानी बहुवचन के साथ किया जाता है। आई वी, यू, दे, काउज, बॉयज, वी या अदर्स। अगर बात हैज की करें तो हैज का यूज बहुत छोटा है। हैज का यूज सिर्फ थर्ड पर्सन के साथ किया जाता है और थर्ड पर्सन के सिर्फ सिंगुलर वर्ड के साथ, यानी सिर्फ एक वचन वर्ड के साथ, क्योंकि जो थर्ड पर्सन का प्लूरल होता है यानी बहुवचन होता है वो हैव के साथ ही रहते हैं। आप देख सकते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ हैव का यूज किया जाता है। हैव का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी कोई तीसरा हो और अकेला हो, जैसे ही शी इट, या कोई एक आदमी का नाम, किसी एक जानवर का नाम, किसी एक परिंदा का नाम, किसी एक कीड़ा मकौड़ा का नाम, इन सभी के साथ हैज का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप ये बात अच्छा से याद रखेंगे क्योंकि आगे आप बहुत ऐसे लेसन पढ़ने वाले हैं जहां हैव और हैज का यूज होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा मेरे कॉन्फिडेंस के लिए, ताकि मैं आपके लिए रोज एक नया लेसन ला सकूं। फिर मिलते हैं एक नए लेसन के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।